हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड का बहुत ही बेहतरीन सा नाश्ता। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड ले लिए हैं, तो जितने भी ब्रेड आपको बनाने हो उतने ही सारे ब्रेड ले लीजिएगा नाश्ते के लिए, ठीक है। तो अब करना क्या है कि इसके साइड्स वाले जो है ना, एक साइड यानी कि दो साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसके एचेस को हम दोनों साइड से निकाल देंगे। अब जो है ये दो साइड के एचेस को रहने देंगे, उसके बाद इसकी कटिंग देखिए किस तरीके से हमें करनी है। ये देखिए बीच सेंटर में ना इसे हाफ कट कर लेना है इस तरीके से। तो दो पीस हमारे एक स्लाइस के दो पीस बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि एक स्टिक लेना है, तो इस तरीके से ये कबाब स्टिक होती है ना, बस वही वाली है। अब इसके बीच सेंटर में ना इसे हम इस तरीके से फिल करेंगे, तो भी बहुत आसानी से ये अंदर चली जाती है, ये देखिए पता भी नहीं चलता है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पीस भी लेंगे और इसे भी हम बीच सेंटर में ही रखेंगे और हल्के हल्के इसे घुमाएंगे स्टिक को ना, बस अच्छे से ये अंदर से सेट हो जाएगी, बिल्कुल निकलती भी नहीं है। और इस तरीके से बनाने में ना बहुत आसानी भी होती है और खाने वाले को भी बहुत ही आसानी से ये खा सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी पीसेस आपको तैयार करने हैं ना, तो बस इसी तरीके से कर लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने ना कुछ पीसेस को यहाँ पर तैयार करके रख लिया है। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी ब्रेड स्लाइस तैयार। अब चलते हैं इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो ये इसे हम रखते हैं साइड पर। अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेना है। अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर आलू का भी यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक मीडियम साइज़ के आलू को ना ग्रेट करके अच्छे से वॉश करके स्टेनर में डाल दिया था, ताकि पानी बिल्कुल अच्छे से इसकी निकल जाएगी। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं प्याज। तो दो चम्मच मैंने प्याज इसमें डाल दिया है और दो हरी मिर्च डाला है। तीखा अपने हिसाब से रखिएगा, जितना आपको पसंद हो। तो एक चम्मच मैंने टमाटर भी डाल दिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। दो चम्मच यहाँ पर शिमला मिर्च डाल दीजिए, बिल्कुल बारीक जो है सबको कटिंग कर लीजिएगा। सभी को जो भी सब्ज़ी आप यहाँ पर ऐड करना चाहें आप डाल सकते हैं, और जो भी सब्ज़ी आपके पास नहीं है तो उसे आप स्किप कर लीजिएगा। एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। अब इसमें क्या करेंगे ना, अब इसमें हम बेसन, इसके बाइंडिंग के लिए अच्छे से बेसन हमें डालना है। तो यहाँ पर ना बेसन की क्वांटिटी 3 चम्मच मैंने डाला है, और इसके साथ ही में जाएगा मैदा। अगर मैदा आप नहीं डालना चाहते हैं, चावल का आटा डालना चाहते हैं, तो चावल का आटा भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मैदा या चावल का आटा नहीं यूज़ करना चाहते हैं, सिर्फ आप बेसन से भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो इससे जो है ना नाश्ता अच्छा सा क्रिस्पी भी बनता है और टेस्टी भी बनता है। तो टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर मैंने कलर के लिए डाला है, और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून ही डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब एक अच्छा सा और भी कलर आ जाएगा, तो कश्मीरी मिर्च मैंने डाल दिया यहाँ पर 1/4 टीस्पून। तो तीखा जो है आप अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से रखिएगा। और काली मिर्च का पाउडर जो है 2 पिंच मैंने डाला है, 1/4 टीस्पून यहाँ डाल देते हैं। ओरिगैनो, ओरिगैनो से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। देखिए बेसन की क्वांटिटी अगर आपको ज़्यादा, अगर थोड़ी सी कम भी लगे ना, तो बाद में आप इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यानी कि 1-2 चम्मच अगर आपको लग रहा है कि इसमें बैटर में ज़रूरत है, कि गाढ़ापन नहीं आया है, तो आप यहाँ पर डाल करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पानी जो है बहुत थोड़ा थोड़ा ही डालना है, क्योंकि इसका गाढ़ा सा बैटर हमें तैयार करना है। तो इस तरीके से हमें मिक्स करते हुए चले जाना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इसको ना अच्छे से मिक्स करेंगे ना, तो एक अच्छा, इसमें धनिया पत्ती भी आप डाल सकते हैं, तो जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। जैसे कि पत्ता गोभी भी हो तो आप उसे भी यहाँ पर बारीक कटिंग करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी मैंने डाला और इसे अच्छे से मिक्स मैंने कर लिया है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके की रखनी है। बस ये आप, बटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम इसे किस तरीके से हम फिल करेंगे, तो ये देखिए एक पीस हम स्लाइस के लेंगे इस तरीके से ना, अच्छे से इसे डिप कर लेंगे। और अच्छे से देखिए हाथ से पकड़ करके ही कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा कि कई बार स्टिक निकल जाती है, क्योंकि ब्रेड जो है ना सॉफ्ट होते हैं। इस तरीके से करना है और अच्छे से इसे उठा करके आपको कढ़ाई में डाल देनी है या पैन में डाल देना है। इस तरीके से आप पकड़े तो जिस तरीके से मैंने पकड़ा है, और ऊपर की लेयर
में जो है अच्छे से इस तरीके से आप चम्मच से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से नीचे साइड से आप अच्छे से इसको डिप कर लीजिए और ऊपर की साइड आप ना पैन में डालने के बाद आप डाल दीजिए। इससे क्या होगा ना, स्टिक आपकी निकलेगी नहीं, क्योंकि ब्रेड सॉफ्ट होती है तो इसलिए स्टिक निकल जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मैं साथ ही साथ में आपको टिप्स देती जाती हूँ कि ताकि आपको कोई परेशानी ना हो बनाने में। तो इस तरीके से ना हमें ऊपर से डालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए एक साइड से जब हो जाएगा उसके बाद हम बहुत सावधानी से इसे हम फ्लिप करेंगे। तो इस तरीके से हमें फ्लिप करना है। अगर आपके पास इस तरीके का चम्मच हो तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप दो चम्मच यूज़ करें। दोनों साइड से अच्छे से पकड़ करके इसे आपको फ्लिप करना है ताकि स्टिक ना निकले। तो इस तरीके से हमने एक साइड से देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और इसे हम पलट देते हैं। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और ये देखिए एक साइड से जब हो गया ना फ्रेंड्स, तो आपको दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी और करारा होने तक ना इसे आपको फ्राई कर लेना है। देखिए कम ही ऑयल में ये बहुत अच्छे से ना सिक जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने बिल्कुल एक से दो चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल डाला था और ये देखिए बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ज़्यादा जो है ऑयल इसमें नहीं लगती है, बस हल्के फुल्के से ऑयल में ये तैयार भी हो जाती है। तो इस तरीके से ऑयल को रिलीज़ कर लीजिए और इसे निकाल लीजिए। ये नाश्ता एक बार आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टैम्पटिन और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। तो इसी तरीके से ना बाकी नाश्ते को हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स बाकी सभी नाश्ते को, जितने भी स्टिक हमारे थे सभी को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अच्छा, आप यहाँ पर एक से एक की जगह पर आप दो स्टिक भी डाल करके अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। वो दो स्टिक अगर डालेंगे ना तो बिल्कुल नहीं खुलती है, क्योंकि बहुत अच्छे से ये ना सिक्योर हो जाती है। तो इस तरीके का नाश्ता आप ज़रूर से बना करके देखिएगा, बहुत ही टेम्प्टिंग है, बहुत ही इसे अच्छी लगती है। आप इसे टोमेटो केचप के साथ खाएं। फिर मिलते हैं चलिए एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपना ख्याल रखिए।